प्रोविजन था। फ्रेंड सर्विस इंसान का अलग अलग रीजन है सामी को ज्वाइन करना था, मेरा भी एक रीजन था, मेरा रीजन सामी को ज्वाइन करना लिया था, मैं काम जिंदगी की जीना नहीं चाहता था। एक काम जिंदगी इस तरीके से होती, 20 तक पढ़ाई 25 हो गई, 26 पर हो गई, 30 पर बच्चे साइड पर रिटायरमेंट और मौत के इंतजार, मतलब ऐसी भी जिंदगी होती है। तो इस तरीके की जिंदगी को जीना नहीं चाहता था, लाइफ को बहुत अच्छा बहुत बेहतर बनना चाहता था। कुछ बेहतर क्या था कि लाइफ में कुछ ऐसा करना था कि लोग मेरा एग्जाम्पल दें, लोग कहें कि देख कुछ सीख अपने बेटों से, अपने बच्चों से, लेकिन कुछ सीख उस फर्क से उसने लाइफ के अंदर कितना कुछ किया, ऐसा कुछ लाइफ के अंदर मुझे करना था। और वो मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे सामी डायरेक्टली पूरा गेन नहीं हो सकता है, इसी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया। एक बार मैं चाहूंगा सामी डायरेक्टली जबरदस्त तरीके से राउंड अप बड़ी बात है। तो एक बार हम चाहूंगा छोटी बात से वीवो V11 प्रो एंड V15 प्रो जो कि इसी बिजनेस से कई रुपये उसके अंदर पापा ने नहीं डाला था। एंड इसी बिजनेस से 2020 के अंदर अपनी खुद की फैमिली को मैं कार गिफ्ट करने वाला हूँ, आइटम स्पोर्ट्स। आज नाकों में देख लो, नेक्स्ट ईयर सॉल्व के बाहर निकालेंगे। थैंक यू सो मच।